दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। आज 23 जुलाई 2023 है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के सब स्टेशन जिया बग्गा रेलवे स्टेशन पर, जिसकी आप बिल्डिंग मेरे पीछे देख सकते हैं। तो आज यहाँ पे हम रेल फैनिंग करेंगे। आपको बताता चलूँ, यहाँ पर वैसे तो कोई स्टॉप नहीं ट्रेन का, लेकिन यहाँ से ट्रेनें जो है वो थ्रू पास होती हैं तेज़ रफ्तार में। तो आज हम ये सारे स्पीडी एक्शन जो है वो कैप्चर करेंगे और आपको दिखाएँगे। अभी कुछ ही देर में 7 अप तेज़गाम का गुजर होगा यहाँ से, और उसके बाद 5 अप ग्रीन लाइन, और इसी तरह 8 डाउन तेज़गाम, और उसके बाद जो है वो जो भी ट्रेनें आएंगी आपको दिखाएंगे। आज हम यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड करेंगे, तो देखते हैं तेज़ रफ्तार ट्रेनों का गुजर। जी तो व्यूवर्स, आपको बताता चलो, मेरे साथ हैं मुबीन भाई आज, जो रेल फैनिंग करने जिया बग्गा रेलवे स्टेशन पे आए हैं। जी मुबीन भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मुबीन भाई आप? अल्लाह का शुक्र है वैसे भाई, आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है मुबीन भाई। आज आप रेल फैनिंग करने आए हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल ऐसे ही है वैसे भाई, आज हम आपके साथ जो है वो रेल फैनिंग करने आए हैं जिया बग्गा रेलवे स्टेशन पर। और ये जो जिया बग्गा रेलवे स्टेशन है, ये लाहौर का सब स्टेशन है, तो तकरीबन यहाँ से थोड़ा सा आगे जो है ना वो रेलवे स्टेशन भी है, उसी के ये करीब है। तो बाकी ये है कि यहाँ पे स्टेशन, यहाँ पे रेल फैनिंग मतलब आने का मकसद ये है कि यहाँ पे कुछ फास्ट एक्शन जो हमें यहाँ पे मिल जाते होते हैं। ट्रेन का तो यहाँ पे कोई स्टॉप नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो जितनी भी ट्रेन है वो पास थ्रू ही होती हैं, लेकिन माशाल्लाह एक्शन जो है वो हमें अच्छे मिल जाते हैं। तो बाकी अवैस भाई हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, इनका ट्रेन फन पीके के नाम से इनका चैनल है। शुक्रिया। तो इनको ज़रा आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और बाकी जो है मेरा मिस्टर रेलवे के नाम से चैनल है। आप कुछ जी आपको बताता चलो, इनका मिस्टर रेलवे के नाम से चैनल है, उसको जाके आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं। और ठीक है मुबीन भाई, करते हैं फिर रेल फैनिंग। अभी 7 अप तेज़गाम का गुजर होने लगा है, तो ज़रूर उसको कैप्चर करते हैं। वो बिल्कुल पास ही आ चुकी हुई है। जी जी, ये आप देख सकते हैं कि सामने से 7 अप तेज़गाम, जिसकी लीड पे GEO 40902 3। आप देख सकते हैं उसकी लाइट्स, अभी यहाँ से ये पास थ्रू होगी। दोस्तों आप देख सकते हैं ये 7 अप तेज़गाम इस वक्त अपनी तेज़ रफ्तार में यहाँ से गुजरने वाली है, जिसकी रेट पे आज GEO 40902 3 है। दोस्तों आप देख सकते हैं 5 अप ग्रीन लाइन इस वक्त जो है यहाँ से थ्रू पास होगी जिया बग्गा रेलवे स्टेशन से, और ये डस्ट उड़ाती हुई फुल टाइम तेज़ रफ्तार में, जिसकी रेट पर GEO 40902 है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं 5 अप ग्रीन लाइन थ्रू पास हो चुकी है
जी आप अगर रेलवे स्टेशन से यूवर आज के एक्शन की ये तीसरी ट्रेन है, एट डाउन तेजगाम एक्सप्रेस। ये स्टेशन मास्टर साहब हैं जो कि अभी इसको पीएलसी पकड़ाएंगे। और असिस्टेंट ड्राइवर जो है वो पीएलसी को कलेक्ट करेंगे। इसकी लीड पे आज ZCU 306306। इस वक्त ये बग्गा से थ्रू पास हो चुकी है, नेक्स्ट आने वाली ट्रेन आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं। मैं इस वक्त जो है वो जिया बग्गा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं बैंडेड होने की वजह से काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे। ये कुछ सफ़ेदे के दरख्त लगे हुए हैं मेरी साइड पर और उस आप देख सकते हैं कि वो जिया बग्गा रेलवे स्टेशन का जो है वो बोर्ड भी लगा हुआ है। और आपको बताता चलूं कि यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, कोई गाड़ी का स्टॉप नहीं है इस वक्त। और मेरे आप इस तरफ देख सकते हैं एक हैंडपम्प लगा हुआ है जो कि वर्किंग में नहीं है। और इसी के साथ ही ये मस्जिद है एक, जहाँ पे मुझे लगता है कि शायद अब नमाज की जो है वो एक्टिविटी सर अंजाम नहीं दी जाती। और इसी के साथ ही ये भी एक छोटी सी उनकी बिल्डिंग है। और ये जिया बग्गा रेलवे स्टेशन की मेन एंट्रेंस जो कि इस वक्त लॉक कर दी गई है। कभी यहाँ से मुसाफिर गुजरते होंगे और वो आप देख सकते हैं कि टिकट घर भी था। इसको मैं आपको मज़ीद जो है वो दूसरी तरफ से दिखाऊंगा। और ये एक ट्यूबलाइट यहाँ पे ऑन है और ये भी बिल्डिंग अबेंडेड पड़ी हुई है। खैर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो कुछ सफाई का ख़ास ख्याल नहीं है, जबकि पाकिस्तान रेलवे से हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको जो है वो साफ़ सुथरा बनाया जाए। और एक ख़ूबसूरती का एक अपना ही नज़ारा होता है देखने के लिए, जब यहाँ से ट्रेनें पास थ्रू होती हैं, पैसेंजर्स वगैरह इसमें देखते हैं तो ख़ूबसूरत स्टेशन जो है वो वैसे ही रोज़ दिल को भाता है। या पुराना दरख्त यहाँ पे देख सकते हैं जो कि लगाया गया हुआ है। यहाँ पे सीवीआई सिस्टम की जो सर्विसेज हैं वो सर अंजाम दी जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे मतलब आप देख सकते हैं जिस तरह कुछ अच्छे ख़ूबसूरत जो है वो प्लांट्स भी लगाए गए हैं। बाकी ग्रीनरी वगैरह और कुछ सफाई का थोड़ा ख़ास ख्याल नहीं है यहाँ पे। इस उस तरफ एक और प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। तो मज़ीद आपको मैं दिखाता हूँ रेलवे स्टेशन की इसकी बैक साइड पे जाके, जहाँ से लोग एंट्रेस होते थे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं ये इस वक्त स्टेशन की बैक साइड पे आ गया हूँ। और ये एक ट्रैक है यहाँ पे, जिसका मकसद जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोयले को अनलोड किया जाता है। ट्रेन कोयला लाती है और आप ये देख सकते हैं स्टेशन की ये बैंडेड बिल्डिंग है पीछे से। यहाँ पे किसी टाइम में एंट्रेंस हुआ करती थी ये स्टेशन की मेन। और इसी के साथ आप ये देख सकते हैं टिकट घर भी हुआ करता था यहाँ पे कभी, जिसको बंद कर दिया गया हुआ है। और ये अंदर से व्यू है स्टेशन का। ये एक कदीम ज़माने की बिल्डिंग लग रही है जो कि मेरा ख़्याल है अंग्रेज़ों के दौर की इजाद की हुई थी। अब यहाँ पे वर्किंग ना होने की सूरत में ये अबेंडेड हो चुकी है, पैसेंजर्स वगैरह का कोई स्टॉप नहीं है। लेकिन
इस तरह इसको डिज़ाइन किया गया कि अगर हम यहाँ पे मौजूद हैं खड़े हुए तो एक पुरसकून हवा यहाँ से जो है वो उसका गुज़र हो रहा है। और आप बाकी देख सकते हैं बिल्डिंग, आपको स्टेशन मास्टर की बिल्डिंग भी दिखाते हैं हमसे अभी। तो दोस्तों ये है स्टेशन मास्टर साहब की बिल्डिंग, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे खिड़की लगी हुई है और यहाँ पे लिखा है बगैर इजाज़त अंदर आना मना है, रेलवे स्टेशन मास्टर ऑफिस है। स्टेशन मास्टर साहब अंदर है और ये आप देख सकते हैं अंदर से बिल्डिंग। प्लेटफॉर्म पे बिल्डिंग मौजूद है स्टेशन मास्टर साहब की। और ये वही इसका पीछे बैक ट्रैक है। ये जिया पगा रेलवे स्टेशन और स्टेशन मास्टर साहब की बिल्डिंग के साथ रास्ता है। और ये प्लेटफॉर्म, सामने प्लेटफॉर्म, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जिया पगा रेलवे स्टेशन लिखा हुआ है और इसके नीचे डेट भी मेंशन है इसकी, 1/6/2018 में इस बिल्डिंग को बनाया गया था। ये आप देख सकते हैं दोबारा से मुबीन भाई जी। वैसे भाई मुबीन भाई कैसा चल रहा है? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल रहा है यार, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि माशाल्लाह इतना सुकून रेलवे स्टेशन है कि यहाँ पे आप बैठे ना यकीन मानो हल्की सी चिड़ियों की आवाज़ें और हवा चल रही है और बड़ा ही सुकून आ रहा है कसम से, कोई शोर शराबा नहीं है। मैं कहता हूँ कि बंदा यहाँ पे पुरसकून माहौल है। हाँ बड़ा पुरसकून माहौल है कि यहाँ पे आके बंदा बैठ जाए और जो है ना यहाँ पे देखते रहे ट्रेनों को और अपना बातचीत जारी रखे, तो माशाल्लाह काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो ये एक स्टेशन मास्टर साहब के बिल्कुल बिल्डिंग के बाहर जो है एक क्या कहते हैं बेंच लगाया गया और कुछ कुर्सियाँ वगैरह पड़ी हैं। बाकी आप स्टेशन देख चुके हैं तो ये जिया पगा रेलवे स्टेशन का रिव्यू था। अब से कुछ ही देर में जो है वो नाइना पिलामा इकबाल एक्सप्रेस, जिसका बड़ा बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है और जो अपने टाइम शेड्यूल से बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, तकरीबन 5 से 5.25 घंटे लेट हो चुकी है। तो मज़ीद देखते हैं कितनी देर में वो जिया पगा रेलवे स्टेशन को से थ्रू पास होगी। और अब से कुछ ही देर में टाइम हो रहा है 16 डाउन कराची एक्सप्रेस का भी, जिसका थ्रू पास रेलवे स्टेशन जिया पगा रेलवे स्टेशन से होगा। तो देखते हैं वो भी कितनी देर में गुजरती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लोकोमोटिव की हेडलाइट्स ऑन है, ये GEU-40 है जो आज लीड कर रहा है पाक बिजनेस एक्सप्रेस को, 34 डाउन पाक बिजनेस एक्सप्रेस को। तो ये भी जिया पगा रेलवे स्टेशन से जो है थ्रू पास होगा। ये स्टेशन मास्टर साहब जो कि इसको अभी PLC देंगे। तो आप देख सकते हैं ये PLC की एक्टिविटी जो असर अंजाम दी जा रही है और यहाँ पे ये थी 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस जो के थ्रू पास हुई है जिया पगा रेलवे स्टेशन से। अब से कुछ देर में नाइना पिलामा इकबाल एक्सप्रेस आ रही है जो के तकरीबन
4.5 घंटे लेट हो चुकी है, जिसकी वजह जो है वो इंजन ख़राबी की बताई जा रही है। और लाहौर जंक्शन से इंजन भी भेजा गया उसके लिए। तो अब से कुछ ही देर में 9 इलामा इकबाल एक्सप्रेस जिया बगह रेलवे स्टेशन से थ्रू पास होगी, तो उसका भी एक्शन देखेंगे, स्पीडी एक्शन। दोस्तों एक और एक्शन का टाइम हुआ जाता है, आप देख सकते हैं सामने से GEU-20 की लाइट्स जो कि लीड कर रहा है 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस को लाहौर से कोयटा के लिए। अपनी एक तेज़ रफ्तार में ये यहाँ से थ्रू पास होगी, काफ़ी तेज़ रफ्तारी में यहाँ से गुज़र रही है। जाफर एक्सप्रेस बहुत ही अच्छी स्पीड के साथ जिया बगह रेलवे स्टेशन से थ्रू पास हुई है, बहुत ज़्यादा स्पीड थी इसकी, आप देख सकते हैं। अभी भी 9 इलामा इकबाल एक्सप्रेस जो है वो जिया बगह रेलवे स्टेशन तक नहीं आई, जो कि तकरीबन 5 घंटे लेट हो चुकी है। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि ये आपको इस वक्त वीडियो में 4 ट्रैक्स नज़र आ रहे हैं, ये ट्रैक्स, ये 2 ट्रैक्स नज़र आ रहे हैं आपको, पहले ये अप ट्रैक्स हैं, ये आपकी लूप लाइन है और वो अप ट्रैक है, और इसी के साथ वो आप देख सकते हैं वो डाउन ट्रैक्स हैं और वो मेन डाउन लाइन है, और उसके साथ जो प्लेटफॉर्म के साथ आपको ट्रैक नज़र आ रहा है वो डाउन का। तो अभी हम जिया बगह रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे आए हैं और यहाँ पर एक रेलवे फाटक है जो कि बंद कर दिया गया है। फाइनली 9 इलामा इकबाल एक्सप्रेस जो है वो यहाँ पर अप्रोच बना रही है अपनी, जिया बगह रेलवे स्टेशन से थ्रू पास होगी। और मेरे राइट साइड पे जो है जिया बगह रेलवे स्टेशन का साउथ कैबिन जो कि सितंबर 1968 को बना था, अबेंडेड हो चुका है CBI सिस्टम आने की वजह से, अब इसमें बिल्कुल वर्किंग नहीं है। और उसके साथ एक छोटा सा रिहाइश का भी बनाई गई थी जो कि अब अबेंडेड हो चुकी है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि 9 इलामा इकबाल एक्सप्रेस और 16 कराची एक्सप्रेस दोनों ही सेम टाइम में हो सकता है कि यहाँ से जो है वो थ्रू पास हों, तो दोनों का आपको एक्शन जो है वो कैप्चर करते हैं और दिखा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वहाँ पे लोकोमोटिव्स की लाइट्स नज़र आ रही हैं आपको, ये डाउन साइड पे 16 कराची एक्सप्रेस लगी हुई है और अप साइड पे भी आपको लोकोमोटिव्स की लाइट्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पे जो है वो 9 इलामा इकबाल एक्सप्रेस लगी हुई है और हो सकता है डुअल एक्शन हो। इसको जो लोकोमोटिव 16 कराची एक्सप्रेस जो इसको लोकोमोटिव लीड कर रहा है वो GEU-40 है 903। और साथ ही आप देख सकते हैं 9 इलामा इकबाल एक्सप्रेस ZCU-6414 के साथ, देख सकते हैं 9 इलामा इकबाल एक्सप्रेस यहाँ से गुजरी है अभी ZCU-6414 के साथ, जो कि अपनी हल्की स्पीड में यहाँ से थ्रू पास हुई है।
तो दोस्तों अभी आपने देखा नाइन अप और 16 डाउन का डुअल एक्शन, और आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। जाने से पहले मुबीन भाई से पूछ लेते हैं, उनको मज़ा आया। जी मुबीन भाई, आज के व्लॉग, आज जो आपने सारी ट्रेन को कैप्चर किया और हमारा व्लॉग जो था, तो आपको मज़ा आया यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, ऐसी है, वैसे ही मज़ा बहुत आया। गर्मी बहुत थी, अभी हमारे जो पसीने हैं वो काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन ये है कि माशाल्लाह बड़ा पुरसकून रेलवे स्टेशन है जिया बग्गा, और यहाँ पे माशाल्लाह जो एक्शन है वो काफ़ी फास्ट एक्शन है, जो हमें आपने देखे, आप देख भी सकते हैं। तो काफ़ी मज़ा आया हमें यहाँ पे रेलफेनिंग करने का। तो इंशाल्लाह फिर कभी जो है इंशाल्लाह दोबारा हम यहाँ पे आएंगे, क्योंकि जो है बड़ा पुरसकून रेलवे स्टेशन है। बिल्कुल, और माशाल्लाह बहुत जो है ना, ये काफ़ी जो है ना, यहाँ पे हमें काफ़ी ट्रेन एक्शन भी मिले हैं यहाँ पे। जी जी जी, तो हमने यहाँ पे काफ़ी ट्रेन एक्शन कैप्चर किए हैं, आप हमारे व्लॉग में देख चुके हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के नए व्लॉग के साथ। अपना खास ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।